हाय फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी द टॉपिक व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले के वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है और किस तरह से एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में बात की है। उस आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक, यू कैन गो एंड सी दैट वीडियोस। ओके, हियर वी आर गोइंग टू सी अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अ पार्टिकल कैन नॉट डायरेक्टली इंटरैक्ट विद अनदर पार्टिकल केप्ड एट अ डिस्टेंस। तो अगर हमने दो पार्टिकल्स रखे और उनके पास कोई चार्ज है, तो हम दो प्रोटॉन्स रखेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और क्यों रिपेल करते हैं? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये जो इंटरैक्शन है दो प्रोटॉन्स के बीच में, ये इंटरैक्शन डायरेक्टली नहीं होता है। ओके, तो अगर हमने उनको एक सर्टन डिस्टेंस पे रखा है तो क्या होता है वहां पे एग्जैक्टली? ये जो चार्ज है उस पार्टिकल के ऊपर वो प्रोड्यूस करता है समथिंग जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंडेड। तो अगर कोई चार्ज रखा है, कोई पार्टिकल है और पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज है, तो वो चार्ज जो है वो अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक फोर्स अप्लाई करेगी चार्ज के ऊपर, अगर कोई चार्ज उसके उस फील्ड के अराउंड आता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस एंड इज प्रेजेंट इवन इफ देयर इज नो एडिशनल चार्ज टू एक्सपीरियंस द फोर्स। नाउ इफ यू वॉन्ट टू नो कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी उस सर्टन पॉइंट के ऊपर, तो वी हैव द फॉर्मूला टू मेजर दैट। द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। दिस स्मॉल क्यू इज कॉल्ड एज अ टेस्ट चार्ज और उसकी वैल्यू बहुत बहुत छोटी होती है, सो दैट कि वो दूसरे उसके सराउंडिंग के कोई चार्ज को डिस्टर्ब ना करे। इसलिए हमने टेस्ट चार्ज लिया है जिसकी वैल्यू बहुत मैग्नीट्यूड हमने बहुत कम लिया है। ओके, आई होप यू गेट टू नो अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस विद एग्जाम्पल कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। थैंक यू।